हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सिनेमा आजकल। मैं आज आपको बताऊंगा बॉलीवुड की 7 रिजेक्टेड स्क्रिप्ट या स्टोरी जिनको कर दिया गया था रिजेक्ट। कोई ले नहीं रहा, कोई सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन बाद में उस पर फिल्म बनी तो वो बन गई ब्लॉप 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 ब्लस्टर। तो होप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, स्टार्टिंग करता हूँ, ज़्यादा बोर आपको मैं नहीं करता, ठीक है। तो फर्स्ट है DDLJ। यहाँ बिल्कुल आदित्य चोपड़ा ने जब ये फिल्म लिखी थी तो किसी को विश्वास नहीं था उनके मेंबर्स को, जो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो यशराज फिल्म के थे, कि नहीं यार कहाँ आप एक, उस समय क्या शाहरुख खान था ही नहीं फिल्म में। फिल्म में तो एक वो अपना वो हॉलीवुड का हीरो था, हॉलीवुड का हीरो ले रहे थे कि हॉलीवुड लड़का मतलब एक अंग्रेज लड़का आता है और इंडियन लड़की के पीछे पागल होता है, फिर घर आता है उसके गाँव में। तो ये बोले नहीं यार ये कहाँ चलेगा ये सब पिक्चर यार, बोल के कोई फाइटिंग वाइटिंग कुछ नहीं। उस समय एक्शन का भी दौर चल रहा था, 94 में एक्शन का तो दौर था, कहानी तो 93-94 में लिखी गई थी, डरर मूवी आ रही थी, तो ऐसी मूवी बनाई है आप, है ना। तो DDLJ फिर रोक के उन्होंने मोहब्बत लिखना स्टार्ट कर दी, किसने, आदित्य चोपड़ा ने। मोहब्बत ही उस समय कहानी, ठीक है, तो मोहब्बत लिखना स्टार्ट कर दी, लेकिन आदित्य चोपड़ा का दिल नहीं माना यार, नहीं यार मेरा दिल मान रहा है कि DDLJ बहुत चलेगी। फिर उनको कवर दिया एक उनके एडिटर ने, जो बहुत बड़े एडिटर हैं, ठीक है, वो तेलुगु हैं, उनका अभी नाम याद नहीं आ रहा, लास्ट वीडियो में उनका नाम लिया था। तो उन्होंने बोला कि ये फिल्म आप जैसे बोल रहे हैं इसका 70% भी आप बना लेंगे ना, ये फिल्म टॉकिस से कभी नहीं उतरेगी। नायडू बोल के कुछ था पता, उस समय उन्होंने बोला था कि आपने ये फिल्म 70% भी बना ली, 100 की तो बात नहीं बोल रहा हूँ, तो फिल्म टॉकिस से कभी नहीं उतरेगी। और उनका बात क्या बात, जुबान साउथ वाले का नहीं उतरी फिल्म अभी तक, ठीक है। सेकेंड है डर्टी पिक्चर। सिल्क स्मिता पे बनी डर्टी पिक्चर को लेके मिली लुथरिया, ये हाउस वो हाउस वहाँ हाउस, वो पूरा इंडस्ट्री छान मार दिए। 4 साल से ये स्क्रिप्ट घूम रही थी इंडस्ट्री में, सोचो 4 साल से ये स्क्रिप्ट इंडस्ट्री में घूम रही थी। डर्टी पिक्चर नाम है इसका, स्मिता पे बनी फिल्म है और एक स्टोरी ये है, घूम रही थी और मिलिन लुथरिया लेके घूम रहे थे, मतलब कुछ छोटा मोटा आदमी लेके भी नहीं घूम रहा है। मिलिन लुथरिया जिसने टाइम इन मुंबई बनाई है और कच्चे धागे बनाए हैं, एक से एक मूवी दी है, ठीक है, वो लेके घूम रहे, उनसे लेना नहीं चाह रहे हैं तो बताओ है। फिर एकता कपूर ने बोला यार, एकता कपूर तो ऐसी नहीं मतलब उस टाइप फिल्म बनाते ही है ना वो, क्या कूल है हम, क्या कूल है हम टू, तो बोली यार चलो बना लेते हैं, कम बजट में बनाते हैं, इसलिए विद्या को लिया है ना। तो बजट कोई बड़ा हीरो था नहीं, है ना, नासिरुद्दीन सिंह साथ साथ में बना दी, हैवी हीरो नहीं जो महंगा बजट पैसा लिया हुआ, ठीक है, सब बी कैटेगरी के स्टार्स, ठीक है, मतलब नासिरुद्दीन शाह जी को छोड़ के वो उनका कैटेगरी मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है। बना दिया फिल्म ने इतिहास रचे, बॉम्बे इतना पैसा छाप दिया, एकता कपूर के इतिहास में इतनी बड़ी हिट उनकी कोई फिल्म नहीं है। थर्ड फिल्म बताऊँगा आप विश्वास नहीं करेंगे, ये है काबिल। जी हाँ, काबिल की स्टोरी वाला काबिल स्टोरी जिसने लिखी वो मर गया। ये स्टोरी एक्चुअली क्या होती है, एक राइटर ने लिखी थी, अननोन राइटर है, नया राइटर था, उसने लिखी थी, ठीक है, बहुत लोगों के पास गया, उसने कोई ली नहीं, एक तो नए लोगों को ऑफिस में घुसने देते नहीं है, घुस भी गए तो सुनाई तो क्या, दो अंधे लोगों के पर पिक्चर बनाते रहूँगा यार, कहाँ कितना टाइम लगेगा है, और कौन मानेगा उसको यार, ये दिमाग खराब इतना, और किसको लूँ, है ना, उसके लिए स्टार भी चाहिए, उसके पास स्टार्स थे नहीं, ठीक है। तो ठीक है, वो अपने दोस्त को दे दिया, ऐश्वर्य को ले नहीं रहा, उसका दोस्त काम करता था अपने राकेश रोशन के प्रोडक्शन में काम करता था, ठीक है, तो वो भी रखा रहा अपने पास स्टोरीज, ठीक है, वो दिया नहीं कि कौन फिल्म बनाएगा इस पर। तो फिर राकेश रोशन ने पूछा है कि यार मैं अभी बैनर में एक नई फिल्म बनाना चाहता हूँ ऋतिक को क्रिस छोड़ के, बोला सर एक स्टोरी है मेरे पास में, देखिए आपको पसंद आता है कि नहीं, जब बताया काबिल की स्टोरी की, दो अंधे हैं और अंधे भी आज के युग में बराबर आँख वालों के साथ में कंपेयर करके वो जीतता है, अपना बदला लेता है, तो उनको भाई राकेश रोशन के पास ऋतिक है ना भाई, तो वही बना सकता है, बाकी आप नए हीरो को लेके बनाते थे, ये फिल्म चलती क्या, नहीं चलती, ये एज ए स्टार की ही फिल्म थी, तो इसलिए वो बेच नहीं पाया कहानी को, ठीक है। अरे इन्होंने दे दी तो फिल्म बन गई, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो स्टोरी राइटर मर चुका था जिसने लिखी थी, इसलिए आप देखना काबिल में कभी स्टोरी बाय नहीं लिखा गया, क्रेडिट नहीं दिया गया स्टोरी का, ठीक है, क्योंकि वो मर गया था और फिर जिसने दिया उसका नाम भी दे नहीं सकते थे, तो बता हटाओ, दिया तो इसने है, इसका भी बहन हक बनता है, और लिखा जिसने है उसका भी हक बनता है, हटाओ दोनों को नहीं देते, अभी फिल्म रिलीज करो, स्टोरी का अभी क्रेडिट किसी को मत दो, है ना, आपको भी देना गलत हो जाएगा, बोला ठीक है, कहीं उसने कॉपीराइट मार दिया होगा तो फंस जाएंगे कि आपने कहानी चुरा ली बोल के, तो इसलिए चोरी
कल वो क्रेडिट दिया ही नहीं गया काबिल में, आप पढ़ लेना देखना ठीक है। फिर भाई आ जाती है अपने, फिर एक इनको तो भूल नहीं सकता शोले। सब ने रिजेक्ट कर दिया, डाकू पे फिल्म बना रहे हो बोल के हैं, इतने लोगों ने बोला कि लेकिन बनाया और हिट हुआ ठीक है। फिर है अपना बाजीगर फिल्म, बिल्कुल 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 बाजीगर फिल्म में जिसके पास ले जा रहे हैं स्टोरी रॉबिन, वो अपने राहुल भट्ट लेके जा रहे हैं, राहुल भट्ट ने लिखी कहानी तो वो लेके जा रहे हैं यार, हीरो हीरोइन को मार देता है यार, पागल हो गए, ऑडियंस लूट के चले जाएगी बोला है। फर्स्ट हाफ में ही हीरो एज ए हीरोइन को मार दे रहा है तो वो तो उठ के चले जाएगी यार, उसकी बहन को पटा देगा तो पागल आगल हो गए रॉबिन बोल के समझे। फिर ऐसा सोल्यूशन निकला कि सर ये काम करते हैं, ये काम करते हैं, हीरोइन अपन एकदम नहीं लेते हैं जिसके पास ऑडियंस नहीं हो ठीक है। वहीं पर अपन ये पहले श्रीदेवी एक ऑफर हुई थी ठीक है, तो अगर अपन ये बड़ी स्टार को लेंगे ये फिल्म में तो क्या होगा, जब वो उसको फेंक देगा ना उठा के वहाँ से, तो उसकी ऑडियंस तो वहाँ से पहले चले जाएगी, आपकी जो फेवरेट हीरोइन रहेगी, कोई उसको उठा के ऊपर से फेंक दिया उम्र गई तो आप तो फिल्म छोड़ के चले गए, हट क्या बेबी मेरी हीरोइन चले गई बोल के हट नहीं जगता बोल के है ना, ऑडियंस तो वहाँ से कट जाएगी। तो बोलते इसमें नॉन एक्टर को लेते हैं बोला, इस पे ये जो है इसको नॉन एक्टर को लेते हैं क्योंकि अगर मर भी जाएगी तो किसी पब्लिक को फर्क नहीं पड़ेगा, काजोल है एक ठोक है ना, उस पर लोग ध्यान केंद्रित करेंगे। तो ऐसा बन के ये फिल्म बनी, लास्ट में वीनस ने लिया कि नॉन एक्टर को लेते, अबक मस्तान और वीनस ने किया कि नॉन एक्टर को लेते हैं और फिर करते हैं ये फिल्म। और इसमें बात भी था कि पहले माँ का किरदार नहीं था इसमें, उसको लाया सलीम सलमान ने कि इसमें माँ का किरदार जोड़ दो, ये तो खाली माँ मर गई, बाप पहले माँ मर गई थी उसकी, बाप मर गए थे, कोई नहीं था शाहरुख खान का ठीक है स्टोरी के हिसाब से, तो ये मज़ा नहीं आ रहा है फिल्म में, सलीम खान ने बोला कुछ बन ही नहीं रहा, आया बदला लेने के लिए, अब एक अपनी हीरोइन को मार दिया, उसकी बहन से मार गया, खुद मर गया ठीक है। तो फिर सलमान खान ने सलीम ने दिया कि आपने इसमें एक माँ का स्टोरी डाल दीजिए, एंगल डाल दीजिए तो मिशन आ जाएगा, तो आदमी को पब्लिक समझेगी हाँ माँ के लिए किया, माँ का दर्द कुछ ज़्यादा दिखा दो है ना। तो वही क्या अब्बास मस्तान ने पूरा फोकस उसकी माँ के दर्द तकलीफ तकलीफ में दिखा दिया है ना, तो वहाँ पर स्टोरी थोड़ी और पंचुअल हो गई, वरना ये फिल्म बनने से रही थी ठीक है। और एक और फिल्म है जंजीर, जंजीर को तो भाई ऐसी फिल्म बोलते हैं कि मतलब प्रकाश मेहरा ये स्टोरी कम से कम 10-15 एक्टर को बोलते, सात तो मेन सुपरस्टार को सुनाए थे उस समय जो बड़े बड़े स्टार थे, उसके बाद उन्होंने थर्ड ग्रेड के हीरो को भी सुना चालू कर दिया, नवे निश्चल दुनिया भर के जो बॉलीवुड सी फिल्म्स में आते हैं उनको वो लोग रिजेक्ट कर रहे हैं। मैं बोला ये स्टोरी क्या है, क्या है स्टोरी, लेकिन बाद में बोले एक मनोज है उसको ले लो जावेद अख्तर ने और सलीम साहब ने बोला अच्छा, उनको बोल उन लोगों को काम देखा था उसका तो बहुत अच्छा काम है बोले, उसको लोग बोले यार मनोज चलो उसी के साथ बना लेता हूँ यार पिक्चर, देखे जाएगा मेरे पैसे तो डूबेगा, कंगाल हो जाऊँगा, इसी से कमाया इसी में डूब गया समझ जाऊँगा, बनाई बनाई हेट हेट सुपर मल्टी वो छोड़ो हमको अमिताभ बच्चन मिल गए। होप आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय शुक्रिया और शब्बा खैर, बॉलीवुड इज़ बाउंस बैक।